लो भैया, अभिनेता जी जीत का जश्न भी ठीक से नहीं मना पाए कि बुलडोजर का खौफ दस्तक देने लगा। बात कर रहे हैं फिरोजाबाद के टूंडला नगर पालिका के नव निर्वाचित अध्यक्ष भंवर सिंह की, जो अब अवैध निर्माण और एक्शन के भंवर में फंस गए हैं। दरअसल भंवर सिंह का नाम तब चर्चा में आया था जब उन्होंने अपनी ही पार्टी बीजेपी के खिलाफ कर दी थी बगावत और टिकट न मिलने पर निर्दलीय ही कूद पड़े थे चुनाव मैदान में। अब बाबा भंवर सिंह वाकई बीजेपी के लिए ऐसा भंवर बने कि जिसमें बीजेपी डूब ही गई। भंवर सिंह बीजेपी उम्मीदवार को हराकर बन गए नगर पालिका अध्यक्ष, तो अब उनके जी को लग गया है बड़ा बवंडर। दरअसल चुनाव नतीजे आने की 3 दिन बाद ही विकास प्राधिकरण फिरोजाबाद के सचिव की ओर से भंवर सिंह को एक नोटिस थमा दिया गया है। नोटिस उनकी वसई रोड पर 15 बीघा जमीन को लेकर, जिसमें अवैध तरीके से कॉलोनी बनाने का आरोप लगाया गया है। अब इस नोटिस का जवाब भंवर सिंह को 30 दिन के अंदर देना होगा, नहीं तो तैयार खड़ा है बुलडोजर। फिरोजाबाद में 8 निकायों पर चुनाव संपन्न हो गया। 7 निकायों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया। टूंडला नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गई। यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी भंवर सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के दीपक राजौरिया को 321 वोट से हराया। 13 तारीख को मतगणना के बाद भंवर सिंह की अब मुश्किलें बढ़ रही हैं। दरअसल भंवर सिंह ने बागई रोड पर 15 बीघा में एक कॉलोनी डेवलप की थी और जिसका नाम था BS रेजिडेंसी। फिरोजाबाद शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण कहती है ये कॉलोनी अवैध बनाई गई थी और इस पर कई बार वर्ष 2022 के बाद कई बार नोटिस दिए गए, लेकिन भंवर सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया। अब 15 तारीख को फिर एक नोटिस दिया गया है कि इसकी 30 दिन के अंदर ध्वस्तीकरण की जाएगी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि भंवर सिंह की पत्नी रामवती 2012 में नगर पालिका टूंडला से ही निर्वाचित हो चुकी हैं अध्यक्ष पद के लिए। भंवर सिंह खुद भी ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं और बाद में ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी में 2023 के इलेक्शन के लिए टूंडला नगर पालिका से इन्होंने आवेदन किया था, लेकिन इनको टिकट नहीं मिला और ये बागी हो गए। परिणाम ये हुआ कि भंवर सिंह जीत गए और भारतीय जनता पार्टी हार गई। यहीं से ही भंवर सिंह की मुश्किलें अब शुरू हो गईं। जब ये नोटिस दिया गया तो इस बारे में हमने भंवर सिंह से बात की। भंवर सिंह का कहना है कि यह द्वेष की भावना को लेकर कार्यवाही की जा रही है। उनके बिल्कुल पूरे कागजात हैं और उन्होंने जो BS रेजिडेंसी डेवलप की है वो वाकायदा नियमों के अनुसार है। लेकिन वहीं विकास प्राधिकरण के एक्सीएन आदित्य कुलश्रेष्ठ कहते हैं कि हमने पहले भी 5 बार 2022 जनवरी 2022 से लेके 15 मई 2023 तक 5 बार नोटिस दिए हैं, लेकिन भंवर सिंह ने अभी तक जवाब नहीं दिया। सोचने वाली बात यह है कि इससे पहले भंवर सिंह भारतीय जनता पार्टी में थे और अब निर्दलीय हैं। चूँकि सरकार का एक माहौल ऐसा चल रहा है कि यदि कहीं भी कोई कार्रवाई होती है तो JCB यानी बुलडोज़र बाबा लगा दिया जाता है, बुलडोज़र आगे आ जाता है। अब भंवर सिंह भी संशय में है। उनका कहना है कि चूँकि अभी एक ही दिन हुआ है मतगणना को हुए, उनके पास अभी समय है, वे इसका जवाब देंगे और पुरजोर जवाब देंगे। लेकिन ये कार्यवाही जो की जा रही है ये द्वेष भावना और राजनीतिक द्वेष भावना को लेकर की जा रही है। ऐसा नहीं है कि फिरोजाबाद शिकोहाबाद टूंडला में ये पहली बार और नई कॉलोनी डेवलप की जा रही हो। बहुत सारी कॉलोनी डेवलप की जाती हैं और इस पर समय समय पर विकास प्राधिकरण नोटिस देता है और ध्वस्तीकरण की कार्यवाही भी करता है। लेकिन अब इसको इसलिए संशय की निगाह से देखा जा रहा है कि अभी 13 मई को ही भंवर सिंह निर्दलीय टूंडला नगर पालिका के अध्यक्ष बने हैं। अभी शपथ ग्रहण समारोह नहीं हुआ है और इतनी जल्दी 15 मई को ही उनको एक नोटिस थमा दिया गया। और यह नोटिस केवल उनको नहीं थमाया गया बल्कि सभी अखबारों में प्रकाशित भी कराया गया है। अब यह BS रेजिडेंसी टूटेगी या रहेगी ये आने वाले चंद दिन तय करेंगे, लेकिन फिलहाल फिरोजाबाद के लोगों की निगाह में ये इसके ऊपर भी राजनीति देखी जा रही है। सुधीर शर्मा, फिरोजाबाद, UP तक।